हरदोई में दिवाली पर बिक्री के लिए अवैध तरीके से बनाए जा रहे अनारदाना फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उधर मामले की सूचना मिलते ही एसपी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। इस मौके पर एसपी ने कहा कि पूरे मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। ये आज दिनांक 25 दस 2023 को गोपामऊ थाना टणियावा के बड़ी बाजार में तौहीद पुत्र जुम्मन हैं, इनके घर पर अवैध रूप से छोटे अनार दिवाली के लिए बनाए जा रहे थे जिसमें विस्फोट हुआ है और उनके घर में कार्य करने वाले राहुल सनौप राजकुमार नाई हैं और छोटू उर्फ हरपाल सनौप सुरेंद्र पासी हैं। ये लोग घायल हुए, इनको जिला अस्पताल ले जाया गया जहाँ पर छोटे पासी की मृत्यु हो गई है और दो लोगों का इलाज चल रहा है और इस संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए थाना अध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है। चूँकि अवैध रूप से बनाया जा रहा है, इनका कोई लाइसेंस नहीं है और कस्बे के बीच में इनको बनाना नहीं चाहिए था, तो इसलिए इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कितने लाइसेंस हैं कस्बे में? यहाँ कस्बे में तीन लाइसेंस बताए गए हैं, जो एक तो यहीं पर बाबा और जाहिद का है और दो कस्बे के बाहर बताए जा रहे हैं, छोटी बाजार में और एक सड़क पर बताए जा रहे हैं। इनकी भी चेकिंग के लिए निर्देशित किया गया है कि आबादी के क्षेत्र में कोई भी इस तरह का